नमस्कार जैन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने आज की वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम CISF के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको CISF की फुल फॉर्म बता दूँ। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। CISF आर्मी की तरह ही एक फोर्स है, बट जिस प्रकार आर्मी इंडिया के एक्सटर्नल पार्ट को, इंडिया की एक्सटर्नल बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक उसी प्रकार CISF इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं या फिर मेट्रो स्टेशन है, उन सभी में चेकिंग करना और उन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना CISF का काम है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम CISF की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि SSC GD में या पैरामिलिट्री में जितनी भी वैकेंसी आती है, हर टाइम कम से कम 50 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होते हैं। उन सभी 50 लाख फॉर्म्स में 95% या 90% बंदे फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट चॉइस CISF को ही रखते हैं। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि पैरामिलिट्री में 5-6 प्रोसेस होती है, CISF, NIA, SSF, BSF, ITBP, आसाम राइफल और CRPF, बट सभी फोर्सेस में CISF को क्यों टॉप ऑर्डर में रखा जाता है, क्यों CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाता है, क्यों CISF को फर्स्ट चॉइस में रखा जाता है, उन सभी पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, फर्स्ट तो मैंने क्या बोला था, CISF की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो आपको बता दूं कि CISF की जॉब लोकेशन क्या होती है। जब आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग 11 महीने के बाद खत्म कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको पोस्टिंग किया जाता है, और पोस्टिंग आपकी इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज या फिर एयरपोर्ट या फिर मेट्रो स्टेशन में होती है, ठीक है। दोस्तों, तो फर्स्ट मैंने जॉब लोकेशन की बात की है। जॉब लोकेशन में आपको या तो एयरपोर्ट में या फिर मेट्रो स्टेशन में या फिर बड़े बड़े किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में भेज दिया जाता है। सेकंड बात करते हैं CISF में सैलरी की। गाइस, आपको बता दूं कि बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलती है, 21,700 आपका बेसिक भी होता है, उसमें HRA, DA, हेयर अलाउंस, रम अलाउंस ऐड होके 30,000 के समथिंग बैठ जाता है। तो बेसिक ट्रेनिंग में फर्स्ट महीने की तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बट सेकंड मंथ से जब आपकी सैलरी आनी स्टार्ट होती है तो 30,000 प्लस आपको सैलरी आती है। जब आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, 11 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको जब पोस्टिंग की जाती है तो पोस्टिंग के दौरान आपको सिटी अलाउंस ऐड होके 35,000 से 40,000 प्लस आपकी सैलरी मिल जाती है। तो मैंने क्या बोला, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको 30,000 प्लस सैलरी, और बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद सिटी अलाउंस उसमें ऐड हो जाता है, और उसके बाद आपको 35,000 से 40,000 प्लस सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या बात की थी, जॉब लोकेशन की, और सेकंड हमने क्या बात की, सैलरी की। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो सबसे स्पेशल पॉइंट है। दोस्तों, CISF को सभी फोर्सेस में सबसे बड़ी फोर्स क्यों माना जाता है, सबसे अच्छी फोर्स, सबसे स्पेशल फोर्स क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है। पहली सुविधा क्या है, आपकी जॉब लोकेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, सभी लोगों के बीच रहना पड़ेगा, जहां अदर फोर्स में क्या होता है, SSB भारत और नेपाल के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, BSF भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ITBP भारत और चीन के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, CRPF नक्सलाइट एरियाज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, बट CISF क्या होता है, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन या इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, यानी कि वो क्या हमेशा सिविल लोगों के बीच में रहते हैं। तो फर्स्ट इसका स्पेशल पॉइंट क्या है, आप हमेशा बॉर्डर में रह के सिविल लोगों के बीच में रहते हो। सेकंड क्या है, CISF में फिक्स ड्यूटी टाइम है। अदर फोर्स में क्या, आर्मी की तरह काम करना होता है, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे बुलाया जाता है, बट CISF में क्या, आपको 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। 8 घंटे के बाद आप अपने बैरक या क्वार्टर में जाइए, आप वहां पे जाइए किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए या फिर एंजॉय कीजिए या फिर सो जाइए, आपकी मर्जी है, बट आपको 8 घंटे के बाद कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। अदर फोर्स में क्या है, 10 घंटे बुला सकते हैं, 12 घंटे बुला सकते हैं, 14 घंटे बुला सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसकी स्पेशल पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, फिक्स ड्यूटी टाइम। थर्ड क्या होता है भाइयों, अदर फोर्सेस में फैमिली क्वार्टर की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। अदर फोर्स में क्या होता है, आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, पर CISF में सबसे बड़ी सुविधा क्या है, आप अपनी फैमिली को साथ में रह सकते हो, यानी कि जैसे ही आपकी पोस्टिंग होती है तुरंत आपको फैमिली क्वार्टर इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो CISF में तीन बहुत बड़ी फैसिलिटीज है,
फर्स्ट फैसिलिटी क्या है, आप हमेशा सिविल लोगों के बीच रहते हो। सेकंड फैसिलिटी क्या है, आपके फिक्स ड्यूटी टाइम में आपको 8 घंटे काम करना है, बट अदर फोर्स में क्या होता है 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बुला दिया जाता है। थर्ड इसमें क्या है, फैमिली क्वार्टर मिलते हैं, आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सीआईएसएफ में छुट्टियों की। तो भाइयों सीआईएसएफ में एक साल में 45 डेज 45 दिनों की छुट्टी मिलती है। अब आप बोलोगे इतने कम दिनों की छुट्टी क्यों, क्योंकि यार जब आपको फैमिली क्वार्टर मिल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे, तो आपको छुट्टी क्यों मिलेगी। तो इसीलिए आपको सीआईएसएफ में कम छुट्टी दी जाती है, आपको 45 दिनों की छुट्टी दी जाती है। बट अदर फोर्सेस में 12 महीनों की सैलरी आती है, इसमें 1 महीना कम छुट्टी मिलती है, इसीलिए इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो सैलरी आपको 13 महीनों की मिलेगी, बट छुट्टी आपको कम मिलती है। छुट्टी आपको कितनी मिलेगी, 40 महीने के बोला, छुट्टी कम इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, आपको फैमिली क्वार्टर इशू है, इसीलिए आपको 45 डेज की छुट्टी मिलती है। बट जो 30 दिन की आपको छुट्टी कम मिलती है, उसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, यानी कि आपको एक साल में 13 महीने की सैलरी आती है। ठीक है, तो गाइस मैंने आज सीआईएसएफ की बात की। फर्स्ट मैंने बात की जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी एयरपोर्ट में या किसी भी मेट्रो स्टेशन में भेजा जाएगा। सेकंड हमने क्या बात की थी, फर्स्ट हमने जॉब लोकेशन की बात की थी, सेकंड हमने बात की थी सैलरी की। सैलरी आपको बेसिक ट्रेनिंग के दौरान 30,000 प्लस, और जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लोगे तो उसके बाद 35,000 से 40,000 प्लस सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हमने बात की थी इसके 3 स्पेशल पॉइंट की। फर्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या है कि आप हमेशा सिविल लोगों के बीच में रहते हो। सेकंड स्पेशल पॉइंट क्या है, आपका फिक्स ड्यूटी टाइम होता है, आपको 8 घंटे काम करना होता है। और थर्ड स्पेशल पॉइंट क्या है, आपको फैमिली क्वार्टर, यानी कि आप अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हो। और लास्ट हमने बात की थी छुट्टियों की। तो छुट्टी आपको एक साल में 45 डेज की मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके आज की वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।